नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको कृषि की उत्पत्ति के भाग तृतीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने कृषि की उत्पत्ति के भाग द्वितीय के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने मुख्य रूप से प्रमुख जीन केंद्रों के बारे में अध्ययन किया। आज हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं पशुपालन के बारे में। प्रागैतिहासिकों का विश्वास है कि अभिनूतन काल में मनुष्य पालतू पशुओं के साथ सहजीवी संबंध बनाए रखता था। तो जो अभिनूतन काल था उसमें मनुष्य पालतू पशुओं के साथ में एक प्रकार का सहजीवी संबंध बनाए रखे हुए था। संसार के अनेक भागों में उनका लालन पालन अपनाया गया और कतिपय कुछ वैज्ञानिकों की मान्यता है कि आधुनिक मवेशियों की सींगों वाली जंगली पूर्वज जातियां जो आवरक कहलाती थी नवपाषाण काल के पुरुषों द्वारा पाली थी। तो नवपाषाण काल में जो जंगली पूर्वज जातियां थी जिनको आवरक कहते हैं वो सींगों वाली थी और उनको पुरुषों के द्वारा पाला जाता था। यहाँ इस स्लाइड पर आवरक को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि किस तरह से ये सींगों वाली जातियां थी जिनको पुरुषों के द्वारा पाला जाता था। साउर ने पशुओं के पालन का धार्मिक आधार सुझाया, जबकि अन्य का सोच है कि आरंभकालीन अनाज मुडी व व्याज्य भूसे पर जंगली जीव जंतुओं के आश्रित रहने से चर्बी इतनी बढ़ गई थी कि पशुपालन का उदय जो था मरुद्यानों तक ही सीमित हो गया था और जहां से उनका बच करके जाना संभव नहीं था। आज भी उष्णकटिबंधीय अमेरिका की तुकानो, पराकाना, करीन, अक्रोरा व कायापो आदिवासी स्त्रियां एवं दायक, केदाग, सेमवांगा और पॉलिनेशिया आदिम जातियां मातृविहीन पशुओं का लालन पालन करती देखी गई है। तो वर्तमान में भी उष्णकटिबंधीय अमेरिका की जो आदिवासी जातियां हैं वो ऐसे पशुओं का पालन पोषण करती है जो मातृविहीन होते हैं। डार्विन ने कहा है कि विश्व के सभी भागों में आदिवासियों ने सरलता पूर्वक वन्य पशुओं के लालन पालन में सफलता अर्जित की है, जो इस दिशा में अपरोक्ष प्रमाण माना जाता है। सावर के अनुसार आज भी उष्णकटिबंधीय अमेरिका व दक्षिणी पूर्वी एशिया की आदिम जातियों में स्त्रियां पशु चारकों, भेड़ों के बच्चों, सूरों आदि का पालन करती है। तो वर्तमान में भी क्या है, उष्णकटिबंधीय अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशिया की जो आदिवासी जातियों की स्त्रियां हैं वो पशुओं का पालन करती हुई देखी गई हैं। रीड का विचार है कि इस प्रकार आरंभ में भेड़ बकरियों को पालकर उनके दूध पर अनाथ बछड़ों को पाला गया और विशाल पशु जातियों को पालने की क्रिया संभव बनी। तो रीड ने यह बताया है कि प्रारंभ में जो था भेड़ बकरियों के दूध पर ऐसे पशुओं के अनाथ बछड़ों को पाला जाता था जिनकी मां की मृत्यु हो गई या वो अनाथ हैं, ऐसे पशुओं को पालने की जो क्रिया है वो संभव बनी। मानव वैज्ञानिक इस विचार से सहमति व्यक्त कर रहे हैं कि नवपाषाण काल में आरंभ पशुपालन व आगे खाद्य उत्पादन क्रांति ने मनुष्य के जैविक व सांस्कृतिक स्थायित्व की नई दिशाएं दी है, जो आगे नगरीय सभ्यता का आवश्यक पूर्व आभास था। सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया में ही पेड़ पौधों की भांति पशुपालन भी होता था। तो ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से पेड़ पौधों का पालन दक्षिण पूर्व एशिया में प्रारंभ हुआ उसी तरह से पशुपालन का प्रारंभ भी वहीं पर हुआ था। हार्लन के मतानुसार पशुपालन नवपाषाण काल के भिन्न भिन्न कालों में अन्य जीन केंद्रों पर भी हुआ। वस्तुतः कुत्ता सबसे पुराना पालतू पशु है जिसके पालन के प्रमाण भी उपलब्ध हैं। तो ऐसा माना गया है कि कुत्ता जो है वो सबसे पुराना पालतू पशु है और उसके पालन के जो है प्रमाण भी मिले हैं। इसके पूर्वज भेड़िया था जिसका उद्भव दक्षिणी पूर्वी एशिया में 10,000 वर्तमान से पूर्व बीपी में हुआ था।
यानी 10,000 पूर्व बीपी में जो था पूर्वज वो भेड़िया था, जिसका उद्भव दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुआ माना जाता है। इसके विपरीत कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सर्वप्रथम भेड़ पालन आरंभ हुआ। जंगली भेड़ का उत्तराधिकारी पशु भेड़ को इराक, ईरान व तुर्की के पर्वतीय क्षेत्रों में पाला जाता था। ऐसा विश्वास है कि 2009 से 9000 बीपी के आसपास इराक में जुआरी चेमी पर भेड़ पालन होता था। तो ऐसा माना गया है कि 2000 से 9000 बीपी के आसपास जुआरी चेमी नामक स्थान पर जो है, जो कि इराक में स्थित है, भेड़ पालन प्रारंभ हुआ। इसके उपरांत 9000 बीपी के इर्द गिर्द जंगली बकरी की संतति, बकरी के पालन की घटना भी इसी क्षेत्र में घटी। सुअर पालन लगभग 7000 बीपी में जर्मों में आरंभ हुआ। यहाँ इस स्लाइड पर जंगली भेड़ व जंगली बकरी को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि ये किस तरह के दिखाई पड़ते थे। इस स्लाइड पर हमें मेसोपोटामिया की स्थिति दिखाई गई है कि मेसोपोटामिया को मानचित्र के द्वारा यहाँ दिखाया गया है। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर मवेशी पालन का उद्भव 8000 बीपी के आसपास दक्षिणी ईरान के तेपे सब्ज पर और इराक के बनान हिल पर माना जाता है। तो जो पुरातात्विक प्रमाण थे उसके आधार पर ये माना गया है कि मवेशी का जो पालन था वो ईरान के तेपे सब्ज और इराक के बनान हिल पर हुआ था। इसी काल में मध्य तुर्की के कताल हुयुक पर पूजा हेतु देवालयों में बैलों के सींगों का प्रचलन था कि पूजा के लिए जो देवालय थे वहां पर बैल के जो सींग थे उनको काम में लिया जाता था। 6000 बीपी के इर्द गिर्द अश्व पालन शुरू हुआ, जिसका क्षेत्र रूस व मध्य एशिया है। कुछ ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं कि इसी काल में अरब में ऊंटों का पालन होता था। जो घोड़े थे उनका पालन 6000 बीपी के आसपास रूस व मध्य एशिया में हुआ और इसी काल में अरब में ऊंटों का पालन भी प्रारंभ हो गया था। गधे व खच्चर मिश्र में 5000 बीपी के इर्द गिर्द प्रकट हुए प्रतीत होते हैं। यहां आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं ईरान का तेपे सब्ज क्षेत्र को दिखलाया गया है मानचित्र के माध्यम से। यहां इस स्लाइड पर कताल हुयुक नामक क्षेत्र को दिखाया गया है मानचित्र के माध्यम से। लगभग 3000 बीपी में भैंस एवं चूजा दक्षिणी एशिया में पाले जाने लगे थे। अल्टाई उच्च पहाड़ियों के उत्तर व पूर्व लगभग 3000 बीपी में पाक व रेंडियर पाले जाते थे। मालवाहक पशुओं का पालन वस्तुतः खाद्य पशुओं के उपरांत की घटना है। तो इस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग पशुओं को पाले जाने के प्रमाण मिल रहे हैं। जेबू जो बेल से मिलता जुलता पशु है, सिंधु घाटी व ईरान में 5000 बीपी के आसपास पाला जाता था। दक्षिणी अमेरिका में पाले जाने वाले पशुओं में लामा, अल्पाका वे गिनी पिग थे, जबकि तुर्की पक्षी का लालन पालन मैक्सिको व मध्य अमेरिका में प्रचलित था। इस तरह हम देखते आ रहे हैं कि विभिन्न पशुओं का जो पालन है वो विभिन्न काल में विभिन्न स्थानों पर हुआ है। यहाँ इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं जयपुर को दिखाया गया है जो कि सांड से मिलता जुलता है। यहाँ लामा को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से और यहाँ पर हम गिनी पिग को देख पा रहे हैं कि ये किस तरह के हमें दिखलाई देते हैं। आखेट की सहायता हेतु जंगली पशुओं के शिकार में उनके साथ कुत्ते आते जाते थे। मानव आदिवासियों की सुरक्षा भी कुत्तों द्वारा की जाती थी। तो आखेट में क्या था, जंगली पशुओं के शिकार के लिए
कुत्ते साथ में आते थे और मानव के जो मकान थे उनकी सुरक्षा भी कुत्तों द्वारा की जाती थी, इसलिए कुत्तों का जो पालन है या पालन पोषण जो है वो बढ़ गया। पशुपालन के आरंभिक काल में भेड़ बकरियां भी मानव की खाद्य सामग्री थी। तो प्रारंभ काल में जो पशुपालन प्रारंभ किया था तब भेड़ बकरियों को मनुष्य खाता था। तदुपरांत जब मानव को दूध उत्पादन एवं ऊन की मात्रा का ज्ञान हुआ और इन पशुओं का आर्थिक मूल्य समझ में आया तब उन्हें मारना बंद कर दिया गया। तो प्रारंभ में जब पशुपालन आरंभ हुआ तब तो मनुष्य भेड़ बकरियों को भी मार करके खाता था, लेकिन जैसे ही उसे उनका आर्थिक मूल्य जैसे कि दूध और ऊन के बारे में ज्ञान समझ में आया, उन्होंने इसको मारना बंद कर दिया और उनका पालन शुरू कर दिया। संक्षेप में यह स्पष्ट है कि पशुपालन का विस्तृत केंद्र दक्षिण पश्चिम एशिया का चंद्रमा की फांक की आकृति वाला उपजाऊ फर्टाइल क्रिसेंट था, जिसका विस्तार ईरान से जॉर्डन व फिलिस्तीन तक था। यहाँ इस स्लाइड पे देख रहे हैं फर्टाइल क्रिसेंट को दिखाया गया है मानचित्र के माध्यम से। पशुओं के समूहों का पालन यहाँ बीज रोपण कृषि सहित प्रचलित था। निकट पूर्व कटी क्षेत्रों में जेबू मवेशी एवं खच्चरों को पाला जाता था, जहां से इन मवेशियों का विस्फुरण एवं बिखराव पूरे विश्व के अन्य भागों में हो गया। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। यहां हमने पूरा पशुपालन के बारे में अध्ययन किया। इस स्लाइड पर आपको बुक रेफरेंस दिया गया है कि कृषि भूगोल से संबंधित यदि आप किसी भी टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो यहाँ पर इस स्लाइड पर बुक रेफरेंस दिया गया है। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी का धन्यवाद।